हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इमोट्री एंड ट्रेंडिंग मेकर। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, भाई मैं कमेंट पढ़ा, भाई लोगों का बहुत कमेंट आया था कि भाई हमको थोड़ा बैंड L90B जॉब सेट और रेड्यूसर बनाने के थोड़ा फार्मूला बताओ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको और भाई का भी कमेंट आया था कि स्पेस के बारे में बताओ कि कितना स्पेस लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं, आपको हम पहले बैंड का बताते हैं कि कितना लेकर मार्किंग करेंगे, कितना आपका छोड़कर स्पेस देना है, कितना सेंटी में कितना भी कट लगेगा, कितना सेंटी लेकर भी कट करना है। तो सबसे पहले हम फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम आपको सेंटीमीटर में बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये आपका 10x10 का केबल ट्रे रहेगा, उसके लिए आपको स्पेस देना है 5 से लेकर 6-7 सेंटी में। ओके, 4 सेंटी स्पेस, ठीक है, स्पेस 5 या 6 देकर फिर 4 सेंटी फिर 4 सेंटी कट करना है, तो आपका 90 बनेगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, फिर हम समझाते हैं। 10x10 का केबल ट्रे रहेगा, स्पेस 5 सेंटी 6 सेंटी 7 सेंटी जितना आपको देना है दे सकते हैं। उसके बाद केबल ट्रे पे मार्किंग 4 सेंटी 4 सेंटी, ये आपका स्पेस और ये 4 सेंटी 4 सेंटी भी में कटिंग करके 90 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। चलिए, ये आपका मान लीजिए केबल ट्रे है, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये 4 सेंटी, ठीक है, इसके बाद फिर ये 4 सेंटी, ये आपका 5 या 6 स्पेस हो गया, फिर यहाँ से 4 सेंटी, ये 4 सेंटी, ठीक है, ये देख सकते हैं 4 सेंटी 4 सेंटी। आई होप कि आप लोगों का ये फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं 4 सेंटी 4 सेंटी, ये 5-6 का स्पेस, इसके बाद 4 सेंटी फिर 4 सेंटी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आपका आगे आगे की तरफ। तो आपका आएगा 15x10 का केबल ट्रे, इसके लिए हमको कितना लेकर मार्किंग करना है ये भी देख सकते हैं, 15x10 का है। ठीक है, तो हम आपको फिर स्पेस बता रहे हैं, इसमें 7, 8, 9 तक स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके लिए 6 सेंटी 6 सेंटी, उसके बाद 7, 8 या 9 तक स्पेस दे सकते हैं, उसके बाद फिर 6 सेंटी फिर 6 सेंटी। आप मार्किंग भी कट में ऐसे भी के लिए आप दे सकते हैं। ठीक है, ए में भी हो जाएगा, अभी में भी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्लियर समझ लीजिए। उसके बाद चलते हैं 20x5 का केबल ट्रे पे। ठीक है, तो इसके लिए कितना करेंगे, 20x5 आपका ये 20 का हो जाएगा। ठीक है, और कॉलर 5 सेंटी का हो जाएगा, इसके लिए स्पेस आप 10 सेंटी दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 8 सेंटी स्पेस 10 सेंटी, उसके बाद 8 सेंटी, उसके बाद 8 सेंटी। ठीक है, आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, 20x5 के लिए 10 सेंटी स्पेस देना है, 8 सेंटी 8 सेंटी, जैसे जैसे यहाँ बताए यहाँ 4 4 दिए हैं, यहीं पे 8 सेंटी 8 सेंटी, उसके बाद स्पेस 8 सेंटी 8 सेंटी मार्किंग करना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम आपको बताते हैं 20x10 का। ठीक है, तो इसके लिए आपको लेना है कितना, 10 सेंटी। ठीक है, 10 सेंटी लेना है, स्पेस दे देना है 15 सेंटी। ठीक है, उसके बाद 10 सेंटी 10 सेंटी, उसके बाद 15 सेंटी स्पेस, उसके बाद 10 सेंटी 10 सेंटी। आपको एक कट ए या भी में आपको जिस तरफ या लेफ्ट या राइट बनाना हो, लेफ्ट बनाना हो तो ए भी मार्किंग करेंगे और राइट बनाना हो तो ए में मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं अभी 30x10 का बताने के लिए। ठीक है, 30x10 के लिए आप यहाँ पे स्पेस 20 सेंटी दे सकते हैं या 15 सेंटी भी दे सकते हैं, जो भी आपको देना हो दे सकते हैं। उसके बाद इसके लिए, ठीक है, 12 सेंटी ए कट या भी कट, 12 सेंटी 12 सेंटी, उसके बाद यहाँ पे 20 से लेकर 15 सेंटी का बीच में स्पेस, उसके बाद 12 सेंटी, उसके बाद आपका 12 सेंटी एक कट या भी कट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होते हैं 40x10 का, ये आपका केबल ट्रे का साइज है। ठीक है, ये केबल ट्रे का साइज है, ये स्पेस है और ये कितना मार्किंग करेंगे, इतना का ट्रे में कितना मार्किंग करेंगे कि हमारा 90 बन जाए। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे, क्लियर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं 20 से लेकर 25 तक स्पेस। ठीक है, ये स्पेस, उसके बाद यहाँ पे 16 सेंटी 16 सेंटी, उसके बाद स्पेस आ जाएगा आपका 20 से लेकर 25 तक। ठीक है, उसके बाद फिर 16 सेंटी फिर 16 सेंटी, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, 50x10 में, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं 25 से लेकर, ठीक है, 30 के बीच में स्पेस, यहाँ पे स्पेस लिख दिए हैं, केबल ट्रे का साइज लिख दिए हैं। तो यहाँ पे 20 सेंटी 20 सेंटी, उसके बाद स्पेस आपको बताए हैं 25 से लेकर 30 के बीच में दे सकते हैं, उसके बाद 20 सेंटी, उसके बाद 20 सेंटी। ठीक है, आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, फिर हम एक बार रिपीट समझा देते हैं।
टेन बाई टेन का केबल ट्रे रहेगा, उसमें आपको सी फाइव सिक्स सेवन तक स्पेस देना है बीच का मार्किंग। बहुत भाई लोग बोला कि ये बीच में कितना मार्किंग करे, तो ये टेन बाई टेन का रहेगा तो फाइव सिक्स सेवन तक, उसके बाद मार्किंग कटिंग करने वाला मार्किंग फोर सेंटी फोर सेंटी, फाइव सिक्स सेंटी स्पेस फोर सेंटी फोर सेंटी, ठीक है। उसके बाद फिफ्टीन बाई टेन का केबल ट्रे रहेगा तो सेवन एट नाइन, ठीक है, स्पेस। उसके बाद सिक्स सेंटी सिक्स सेंटी, उसके बाद ये स्पेस हो जाएगा सिक्स सेंटी सिक्स सेंटी। उसके बाद ट्वेंटी बाई फाइव का रहेगा तो आपका 10 सेंटी का स्पेस देना है, ठीक है। उसके बाद मार्किंग करना है 8 सेंटी 8 सेंटी, ठीक है। उसके बाद 10 सेंटी स्पेस, उसके बाद 8 सेंटी 8 सेंटी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 20 25 बाई 10 में, ठीक है। उसके बाद 15 सेंटी आपको स्पेस देना है, उसके बाद कटिंग बी कटिंग ए कटिंग मार्किंग करना है 10 सेंटी 10 सेंटी स्पेस हो गया 15 सेंटी 10 सेंटी 10 सेंटी, ठीक है। उसके बाद 30 बाई 10 का केबल ट्रे में आपका 20 से लेकर 15 तक आप स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। मार्किंग करना है ये अभी में आपका 12 सेंटी 10 सेंटी से लेकर 15 सेंटी तक स्पेस देना है, उसके बाद 12 सेंटी उसके बाद 12 सेंटी। उसके बाद आते हैं आपका 40 बाई 10 में, ठीक है। उसके बाद स्पेस 20 से लेकर 25 तक, उसके बाद 16 सेंटी स्पेस, उसके बाद 60 सेंटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 50 बाई 10 में, ठीक है। उसके बाद 50 बाई 10 में आते हैं स्पेस आपका 25 से लेकर 30 तक, ठीक है। उसके बाद मार्किंग ए टाइप बी टाइप में 20 20, उसके बाद स्पेस हो गया, उसके बाद 20 20। उसके बाद चलते हैं 6 बाई 10 में, ठीक है, 60 बाई 10, ठीक है। इसके लिए आपको स्पेस देना है, ठीक है, स्पेस देना है आपका 30 से लेकर 35 तक, ओके। उसके बाद मार्किंग ए टाइप बी टाइप 24 24, उसके बाद स्पेस आ जाए 30 प्लस 35, उसके बाद फिर 24 फिर 24, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे, तो भाई जिसको सेंटीमीटर में आता होगा वो सेंटीमीटर में, अभी एमएम में बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपका 10 सेंटी में कितना एमएम होता है, तो 100 एमएम होता है, ठीक है, ठीक है। 1 सेंटी में 10 एमएम होता है, तो आपका ये सेंटी में हो गया 10 बाई 10, एमएम हो गया 100 बाई 100, ठीक है। आइए आपका 150 बाई 100, ठीक है। आइए 200 बाई ये 50, ठीक है। ये 250 बाई 100, ठीक है। ये 300 बाई 100, ठीक है। ये आपका 400 बाई 100, ठीक है। ये 500 बाई 100, ये 600 बाई 100। अभी जिसको एमएम में समझना होगा वो एमएम में समझ ले, जिसको आपको जिसको समझना है आपका सेंटी में वो सेंटी में समझ ले, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आएगा 880 सेंटी का केबल ट्रे, ये 80 सेंटी का हो गया, ये एमएम में 80 एमएम, उसके बाद सेंटी में 80 सेंटी, ठीक है। ये आपका 100, ये आपका 80, ठीक है। इसके लिए कितना स्पेस देना है आपको, यहाँ से 35 प्लस 40 40 सेंटी का स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मार्किंग करना है 32, उसके बाद 32, उसके बाद स्पेस आएगा, ठीक है, 35 प्लस 40, उसके बाद 32 का मार्किंग करना है, ठीक है। क्लियर आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, फिर हम आपको L90 का बताते हैं, उसके बाद ब्रिज का बताएंगे, उसके बाद ऑफसेट का बताएंगे, उसके बाद रेड्यूसर का बताएंगे। तो क्लियर आप लोग समझ गए होंगे, या एक बार और समझा दी कमेंट करके बताइएगा, फिर हम वीडियो बना देंगे। तो फिर चलते हैं हम आगे आपको नया L90 का बनाने के लिए, तो बने रहे वीडियो के साथ।